गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माई दे विच की में। सारे मैं उम्मीद कर दिया कि सारे वधिया होंगे और सबनों मेरे बोलो प्यार परी सत श्रीकाल। सो जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं की तो मछली अपने चैनल में ज़्यादा तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर लैन और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दिया करो वीडियो नू अगर थोनों पसंद आवे। तो बेसिकली अज मैं जी थोड़े ना गल करनी सी कि थोन पता ही अज मास्टर ग्रेडर का एग्जाम होया सी SST का, जिदे विच ज्योग्राफी जिन्हों आप सोशल साइंस बोलते हैं, सोशल स्टडीज़ भी बोल देने और पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे जो जिदा पेपर से। और अज का जो पेपर का लैवल से वो क्वाइट डिफरेंट और क्वाइट टफ सी। यह काफ़ी जन तो जोड़ा है सुनने को मिले कि यदा जो पेपर से पॉलिटी स्पैशली जो पॉलिटी से वो डैप्थ के आई हुई सी। तो मैं थोनों ETT प्रैपरेशन जो कर रहे उन्होंने मैं एको गल कहूँगी कि जो भी तुम पढ़ रहे हो थोड़ी जी डैप्थ में जाने की कोशिश करो। बुक्स है थोड़े को जो रैफरेंस बुक्स है वो थोड़ी जी तुम मतलब कि डीप डैप्थ के पढ़ो, ठीक है, ताकि थोनों जोड़ा है पता लगे क्योंकि क्वेश्चंस कितों मर्जी आ सकते हैं। इदा आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि प्रीवियस ईयर कितों आया सी एंड ये, क्योंकि मैं थोनों दसिया कि एस चंद की बुक्स साइंस वास्ते बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल है, ठीक है। वो अगर तुम कल MCQs भी पढ़ोगे ना तो भी वो थोड़ा डिटेल पता लग जाएगी कि की चीज़ है ये बारे, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा साइंस का दसिया, बाकी होर सबजैक्ट्स का थोड़ा एक एक करके जोड़ा है ETT नैचुरल बारे जो है आप डिस्कस करांगे। वो मैं थोड़ा जोड़ा है अगर हो सके अगर थोड़ा साथ रहा तो आप टीच भी करांगे अपने ही यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अजो आप 36-35 की गल कर लें जो ओपन वेटिंग वाले हैं, जो ओपन वेटिंग लिस्ट है जिदे विच मैं थोनों जनरल दी कट ऑफ भी दस सकदे, क्योंकि देखो जो ओपन दी लिस्ट आई सी पूरी उदे विच ऑल कैंडीडेट से। अगर मैं थोनों दसा कि 65 जनरल वाले हजे पेंडिंग ने और 66 जिहड़ा जनरल है वह भी थोड़े जे बहुत ही घट गिनती 50-60 होंगे जिन्हों का रह गया 66 का। जिहड़े 65 जनरल वाले है वह वेटिंग च है ना, 65 जनरल वाले का तो नंबर आ ही जाएगा, हरेक का आ जाएगा, लेकिन जो कैटेगरी वाइज आप जोड़ा है थोड़े वा थोनों मैं दसूँगी, ठीक है। जिहड़ी पोस्ट आप गल की सी कि किन्निया, क्योंकि 5100 फिल हो चुकी हैं जिद आप अकॉर्डिंगली चैक करते हैं 66-35 टोटल है। अगर आप 1500 भी लैके चलते हैं तो 1500 दे विच वेटिंग वाले जोड़े है 65 जनरल तो आराम नाल आ ही जाएगा आफ्टर डी रिजर्वेशन 600-700 है आराम नाल। डी रिजर्वेशन तो बाद, क्योंकि देखो तुसी देख सकते हो बाकी सारे कैटेगरी दी जिहड़ी लिस्ट है वो थोनों पता 60 तक आराम नाल 60 तक सारे कैंडिडेट सारे कैटेगरी आ गई, लेकिन ओपन जिहड़ी है 60 तक नहीं आई। ओपन 66 है अगर मान के चलिए तो 65 वेटिंग च है, 64 वाला भी आ सकता, 63 वाला भी आ सकता, ठीक है। अगर हुन होर ज़्यादा थोड़ा जा हुंदा क्योंकि देखो जिस तरह आप सिक्ख्या मंत्री जी ने कहा कई ने ज्वाइन नहीं किया और कई कह रहे हैं कि रिजाइन भी दे रहे हैं हजे, ठीक है, रिजाइन भी दे रहे हैं। कुछ पोस्टा खाली है जिहड़े ज्वाइन किए उन्होंने भी हजे अद्धे ज्वाइन ही नहीं किए, मीनस कि जिन्हों के सी उत्थे ज्वाइनिंग लेकिन वो नहीं गए क्योंकि कुछ केड़ी भर्ती दे विच सिलेक्ट हो जाते, कई ने कि कई आईलैट्स करके बाहर चले जाते हैं तो कई कुछ होर कर लग जाते हैं। सो कई किसी होर गवर्नमेंट जॉब च आ गए होने, सो इदा दल्ला चलदिया रहा तो उन्होंने ये वाली जॉब छाटती होगी तो वह भी पोस्ट है जी वेकेंट होगी। 70+ तो लुधियाने के ही से, तुम खुद हिसाब लाओ, ठीक है। सो आप सोच सकते हैं कि 63 तक तो आराम नाल आ ही सकती है, 62 भी आ सकती है, लेकिन आप क्लीयरली हरेक कैटेगरी की मैं थोड़े ना शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हरेक कैटेगरी का अपन प्रूफ भी चाहिए ना कि किस तरह आएगी। देखो मैं थोड़ा जनरल की तां दसी है बिकॉज जनरल ही कहो जहाँ रह गया से क्योंकि ओपन दे विच सारे काउंट होए से, थोड़ा पता होना चाहिए कि जिहड़ी 66 तक जिन्हें भी नंबर से सारे ओपन दे विच काउंट होए से, उस तो नीचे सारे कैटेगरी गए से आपकी। हुण देखो अगर आप देखिए 65 तो लेके 60 तक सारे ही कैंडीडेट्स पए ने जर्नल दे, ओनली जर्नल रह गया, सारे कोट्या दे हो चुके, ये सिर्फ जिहड़े जर्नल है, ठीक है, वो रह गए जिहड़े अनरिजर्व कोटा आप कह सकते हैं, उही कल्ले रह गए जिन्हां नूं बुलाया नहीं गया, ठीक। तो इत्थों ये चीज़ क्लीयर हुंदी है कि अगर आप ओपन की गल करते हाँ
क्योंकि जिहड़ियां लिस्टां पहलां आंदियां सी जदों स्क्रूटनी दे टाइम जदों दसंबर च स्क्रूटनी होई सी उदों बीएड भी उहदे विच शामिल सी। बीएड वालिआं दी भी स्क्रूटनी होई है, तुहानूं इस गल दा पता होना चाहिए। ठीक है, बीएड वाले जिहड़े है उहनां नूं आपां कंसीडर नहीं करांगे। तो जिहड़ा एक्यूरेट डाटा जिहड़ा है वह उदों ही आएगा जदों डिपार्टमेंट दसेगा, लेकिन यह आपां सिर्फ एक बार अजम्पशनज़ लगा रहे हैं, लेकिन यह सही हो सकती है। ठीक है, जिस हिसाब नाल उन्होंने 5100 किया और आफ्टर डी रिजर्वेशन मैरिट डाउन जाएगी। दूसरी चीज़ सैकेंड लिस्ट, यस सैकेंड लिस्ट जरूर आनी है। देखो तुम कह दें मैम डेली उही चीज़ सेम चीज़ा, डेली सेम चीज़ा नहीं, जो आने वाला हफ्ता है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या वेटिंग लिस्ट पहल आएगी, वेटिंग लिस्ट मीनस कि 65 वाले स्टेशन अलॉट होंगे क्योंकि उन्होंने स्क्रूटनी वगैरह सब हो ही चुकी है। जिन्हों का विदहेल्ड पेंडिंग है वो विदहेल्ड ही रहेंगे क्योंकि वो आपका सही करवा लें, जोड़े 65 के भी और अदर कैटागरीज़ के भी है योजे कैंडीडेट्स जिन्हों का मतलब वो है वेटिंग दे। ठीक है, ET-94 का देखो हजे तक कोई पोर्टल का कुछ नहीं पता कदों खुलेगा कदों नहीं, लेकिन अगस्त के लास्ट हफ्ता तक आप वेट कर रहे। पहला अपनों 15 अगस्त तक वेट करने कहा, लेकिन हूँ यूनियन जी है अपनों लाइव आके दसे कि 94 का पोर्टल कदों ओपन होएगा, क्योंकि किन्ना चिर हो गया सानूं वेट करदियां नूं, हजे तक पोर्टल ओपन नहीं होया। पेपर कितों तक, फिर पेपर कदों लैणगे ये, ठीक है सारा प्रोसैस भर्ती पूरी कदों होएगी फिर। सो इहदे करके जिहड़ा है 94 का पोर्टल जल्दी तो जल्दी ओपन करवाना पएगा। PSTET दा देखो दिसंबर दे विच जिवें पिछले साल होया सी, साल होने वाला हो गया PSTET जदों PSTET होया सी उदों नाल दे नाल इन्हां ने इह गल कही सी 94 का पोर्टल भी ओपन होगा। PSTET दिसंबर च हो गया से और PSTET होए नूं भी देख लो किन्ना टाइम हो गया, इस दिसंबर दे विच साल हो जाएगा। तो हुण तुसीं देख सकते हो 9 महीने 9-10 महीने जिहड़ा है ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो इहदे विच इही है कि PSTET तां आपदा December 2022 दे विच हो जाएगा, लेकिन उस तो पहले 94 का पोर्टल जिहड़ा ओपन होना चाहिए। आपां अगस्त तक डेडलाइन मन के चलते हैं, अगर सितंबर आ गया सितंबर के 94 का पोर्टल ओपन होंदा दैन गॉड नोज़ कि पेपर कदों होना। सो इस महीने के विच अपना जिहड़ा हैगा पोर्टल जिहड़ा ओपन करवाने की पूरी की पूरी आपां करनी है। जे धरना लाना पै जाए तो आपां धरना भी जिहड़ा हैगा जरूर लगावांगे। किसी भी मदद की जरूरत हो आप जरूर सारा कुछ करांगे, लेकिन पक्का धरना लगेगा फिर ही कितने जाके 94 का पोर्टल खुलेगा, क्योंकि सरकार के कान च गल पै ही नहीं रही कि 94 वाले कैंडीडेट्स भी वेट कर रहे हैं कदों की। सो ये अपडेट से उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा वधिया लगी होएगी। बाकी जो SCHAN की काफ़ी जने पूछ रहे हैं, मैं थोनों ये कह रही थी कि SCHAN के जोड़े 9th के MCQs अपने ग्रुप के मैं पा दिया करूँगी। 10th की अगर तुम रैफरेंस बुक लेना चाहते हो तो लै लो, बहुत हैल्पफुल रहेगी। 10th क्लास की लै लो, 9th क्लास के ओनली MCQs कर सकते हो, क्योंकि 9th की तुसी बुक अगर थोड़े कोई होर बुक पई है तो सही, अगर थोड़े कोई होर बुक नहीं तो SCHAN लै सकते हो। अगर बुक पई है मान लो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड NCERT कुछ भी पिया तो वो पढ़ के SCHAN के MCQs लगा लियो। तो अगर नहीं है कोई भी रेफरेंस बुक नहीं है फिर तुम SCHAN की लै सकते हो दोनों क्लासेस की 9th 10th 10th की तो जरूर लियो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, सो ऐसी अपडेट उम्मीद करती हूँ कि वधिया लगी होएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।